अक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर षडक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया, कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया, पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से। षडाक्षर तक गए, फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर पर फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजमान।